नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। कुक विद मोनिका मारवा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो खाने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी है। चलो देर ना करते हुए बनाते हैं वेज बेसन फिश। गरम मसाला, धनिया पाउडर और हींग लेंगे। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम बेसन डाल देंगे। इसमें हम एक कटोरी बेसन ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर बेसन ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम आधी चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हम हाथों से रगड़ लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला आधी चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है, हल्दी पाउडर आधी टीस्पून। साथ ही हम चुटकी भर इसके अंदर हींग भी डाल देंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से इस बेसन के अंदर मिला लेंगे। सारे मसाले बेसन के अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, अच्छे से इस पानी को इस बेसन के अंदर हमने मिलाना है और अच्छे से इसको हमने फेंटना भी है। इसमें हम और पानी डालेंगे जिससे एक इसका अच्छा सा घोल तैयार हो जाए। अच्छे से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। सारा घोल हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक ये एक गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। इसको चलाते जाना है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसको रोकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए लम्स ना पड़े इसके लिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। इसको हम चलाते जाएंगे। अब हम इसको चलाते जाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से हम चलाते जाएंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे अगर हम रुक जाएंगे तो, इसलिए हम इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। इसमें 1 मिनट रुकना नहीं है, बस चलाते जाना है। अब इसको हमारा पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। इसको अच्छे से हमने मैश करना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, और चलाते जाना है इसको अच्छे से। कंटिन्यू इसको हम चलाते जाएंगे। अब ये हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से चलाएंगे कि ये अच्छे से बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। इसको चलाते जाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये साइडों से चिपक जाएगा। अब ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर सेट करेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसको अच्छे से हम तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से इस पर हमने तेल लगा लेना है। इस मिक्सचर को इस प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अच्छे से हमने इसको निकाल लेना है और इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे। अभी हमने अपनी प्लेट के अंदर इस पेस्ट को
लगा के रख दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। अभी जो हमारा ये कढ़ाई के अंदर मिक्सर लगा है, हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम निकाल देंगे, क्योंकि इस पानी को हमने फेंकना नहीं है, हम इस पानी को इस सब्जी के अंदर यूज़ करेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। हम इसके अंदर 2 से 3 लाल मिर्ची डालेंगे और लाल इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे और 1 पिंच के करीब हींग डालेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से हम चलाते जाएंगे कि हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। प्याज को अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको अच्छे से हमने चलाना है। अब प्याज गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, इसको लेकिन हम 5 से 6 मिनट और चलाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको अच्छे से हमने चलाना है, ये अच्छे से अपना तेल छोड़ दें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ये हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम एक दही का एक मिक्सचर बना लेते हैं। सकते हैं अच्छे से इसको हम काट देंगे, पीसीस काट लिए हैं। अब हम इन पीसीस को एक अलग प्लेट के अंदर रख देंगे। ऐसे ही हमने सारे पीसीस को काट लिया है। आप किसी भी शेप में इसको चोरस किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर तेल डालेंगे और तेल को गर्म करेंगे। आप घी भी ले सकते हैं। अब तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने ये पीसेस काट के रखे थे उसको हम शैडो फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही सारे पीसेस को इस तेल के अंदर डाल देंगे। चार से 5 मिनट ये इनको तेल में डाले हुए हो गए हैं। अब हम इनको उल्टा देंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ऐसे हम सारे पीसेस को उल्टा कर देंगे जिससे कि ये दोनों साइड से हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अब हम इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारे पीछे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल देंगे, इन सबको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर रख लेंगे जिससे कि इसका सारा तेल है वो निकल जाए। ऐसे ही हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे। जो दही का मिक्सचर बनाकर रखा था, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये वो वाला पानी है जो हमारा कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, 3 से 4 मिनट उबाल आने तक इसको हमने चलाना है। अब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने पीसेस बना के रखे थे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे पीसेस को हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको इसके अंदर रखेंगे। हमारी डिश बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा।